हेलो प्लेयर्स, वेलकम टू मीडिया प्रो चैनल। अगर आप अप टू डेट न्यूज़ चाहते हैं ड्रीम इलेवन के लिए, तो आप जो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फीफा वुमेन सीरीज फाइनल 2019, नबीना वर्सेस थाईलैंड के बीच में। ये जो है 4 क्वार्टर का मैच होता है, 15-15 मिनट के जो हैं ये 4 क्वार्टर जो हैं वो डिवाइड होते हैं। नबीना का जो लाइनअप है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ विद एज और गोल्स। एज कितनी है और गोल्स कितनी है, और मैं आपको बता दूंगा। जो नबीना है उसने अभी तक 1 गोल करा है। फिर उसके बाद बात करते हैं थाईलैंड की। जो थाईलैंड है वो अभी तक 0 गोल पे है। और जो एजेज हैं, जो प्लेइंग इलेवन है, वो लाइनअप जो है वो हमें जो है बाद में प्रोवाइड होता है। लेकिन जो प्लेयर्स खेलेंगे उन्हीं के हिसाब से जो है वो हम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए टीम की बात करते हैं। टीम की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब का। और अगर आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं मीडिया प्रो के नाम से हमारा चैनल है, और जो हमारे 100 सब्सक्राइबर जो हैं वो हो चुके हैं। तो इसलिए आप या तो सर्च कर लीजिए या जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए टीम की बात करते हैं। जो टीम की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बी डायमंड गोल कीपर एक ही अच्छा, तो इसलिए बी डायमंड हम लेके चलेंगे गोल कीपर। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरे गोल कीपर की। दूसरे गोल कीपर की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिफेंडर डिफेंडर हमें कौन कौन से लेने हैं वो आप देख लीजिए। एवेन स्टेबन, ये डिफेंडर जो हम लेके चलेंगे, और जे दिस इसको भी हम लेके चलेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं मिडफील्डर की, क्योंकि जो डिफेंडर में है देख लीजिए अब सारे 0 पॉइंट पे हैं और कुछ माइनस पॉइंट पे हैं। तो यार इनसे लेने से अच्छा तो हम मिडफील्डर फॉरवर्ड पे फोकस करते हैं, क्योंकि जब डिफेंडर हमें पिछले मैच में नेगेटिव पॉइंट दे रहे हैं तो उनको छोड़ के हम फॉरवर्ड और मिडफील्डर पे फोकस करते हैं। तो जे वेन रॉय इसको हम लेके चलेंगे, हमारा मिडफील्डर है। के कॉर्मैक इसको भी हम लेके चलेंगे। जे बार्लेट इसको भी हम लेके चलेंगे। और फिर बाकी आपको दिखा दूँ माइनस वाले, इनमें से मैं चूज़ करूँगा जो माइनस में है, नहीं तो 0 वाले ट्राई करूँगा। क्योंकि अगर प्लेइंग इलेवन में 0 वाले खेलेंगे तो माइनस वालों को लेने से अच्छा हम प्लेइंग इलेवन जो है 0 वाले हैं उन्हीं को ट्राई करेंगे। क्या पता भाई नए प्लेयर हैं और लोगों ने चांसेस भी कम होंगे, हेड टू हेड में बहुत कम लोग जो होते हैं वो नए प्लेयर को ट्राई करते हैं, तो इसलिए हम उनको ट्राई करेंगे। अगर वो अच्छा खेले तो हेड टू हेड विनिंग चांसेस भी हमारी हो सकती है। तो टीम आई बुक फॉरवर्ड जो है हम लेके चलेंगे। अब बात करते हैं थाईलैंड। थाईलैंड जो अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है। तो हम जो है, अगर आप फॉरवर्ड में चाहूँ तो मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आप ये जो है फॉरवर्ड में चेंजेस कर सकते हैं। डी मैयार इसको भी आप लेके चल सकते हैं, और आई लुइस इसको छोड़ दीजिए, और सी वैसल पे ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हमारे जो 7 प्लेयर हो चुके हैं वो हो चुके हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड की। जो थाईलैंड है मैं सारे जो डिफेंडर है जितने बचे हैं वो सारे थाईलैंड के ही लूँगा, तो आप भी थाईलैंड के ही लीजिए 4 जो डिफेंडर हैं। और प्लेइंग इलेवन में चेक कर लीजिए, ये जो है मेरी फाइनल टीम है जिस फाइनल टीम को मैं लेके चलूँगा। लेकिन अगर इसमें टीम में कोई भी चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। हम लाइनअप विनिंग जो भी होती है हर चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो इसलिए आप जो है हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जो है वो जुड़ जाइए। अगर हम वीडियोस नहीं बनाते हैं तो उसके भी अपडेट जो होते हैं वो टाइम पे हम आपको दे देते हैं। तो अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है जो मैं लेके चलूँगा, देखो अगर मैं बोलूँ तो हॉकी के मैच में जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना भाई, फॉरवर्ड और मिडफील्डर मेन प्लेयर होते हैं, तो मिडफील्डर को लेके चलूँगा मैं अपने साथ जे वेन रो। ये जो है मिडफील्डर, ये बहुतों का कैप्टन भी होगा वाइस कैप्टन भी होगा, श्योरिटी है। और के कोमैक ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टन बहुतों का होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मिडफील्डर डिफेंडर डिफेंडर में अगर आप कोई कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चलना चाहते हैं तो आप वो भी लेके चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है आप किसको लेके चलना चाहते हैं अपने साथ। लेकिन मैं बोलूँ तो आप डिफेंडर में से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई रिस्क लेने में अच्छा है तो रिस्क ले सकता है, और नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, हम फाइनल टीम जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जब हमें फाइनल टीम का जो अपडेट है वो मिल जाएगा। चलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,